देखते रहिए UBN 08 ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। स्थानीय बस स्टैंड ब्यावरा बस संचालक संघ के कार्यकर्ताओं ने पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों की शहादत पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, 2 मिनट का मौन रखा। पाकिस्तान की इस कायरतापूर्ण हरकत पर बरसते हुए पुरुषोत्तम लाला ने देश के प्रधानमंत्री से पाक की इस हरकत पर कार्रवाई की मांग की। संजय शर्मा, राजेश खन्ना, पवन शर्मा, नीतेश, अरुण खटाना सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखते रहिए UBN 08 ताज़ा खबरों के लिए। देखते रहिए UBN 08। प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुसूचित जाति भाजपा गोपाल जाटव ने ब्यावरा में श्रद्धांजलि दी शहीदों को। प्रदेश कार्य समिति सदस्य आजा मोर्चा जो हमारे देश में पुलवामा जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है, वीर जवान जो हमारे 44 वीर जवान जो शहीद हुए हैं देश के, उन देखते रहिए UBN 08 ब्यावरा। राजगढ़ से जफर सैफी की रिपोर्ट। ब्यावरा शहर में बोहरा समाज द्वारा पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद सभी सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैंडल मार्च निकाला। पीपल चौराहे पर एकत्रित होकर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें बोहरा समाज जनों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर रोष व्यक्त किया तथा शहीदों को नमन किया। उक्त सभा में बोहरा समाज के अतिरिक्त व्यापारी गोपाल टाटा एवं पार्षद गोपाल बंसल एवं बड़ी संख्या में ब्यावरा के नागरिक उपस्थित रहे। देखते रहिए UBN 08 ताज़ा खबरों के लिए। हमारे साथ बने रहिए। दाऊदी बोहरा समाज के पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हमें बहुत दुख हुआ है ऐसे गायर का दुख हमले की। हम सब चिंता करते हैं और उनकी भर्त्सना करते हैं कि उन्होंने बहुत ही घिनौनी हरकत की है और इंसानियत के ऊपर हमला किया है। हम भारत के नागरिक हैं और हम हमेशा